तो स्वागत है आपका फिर से यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं पोको एच थ्री प्रो की। तो आज हम उसके अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बनाने वाले हैं, तो आज हम बात करें उसकी जो मेन हाईलाइट है उसका गेमिंग प्रोसेसर जो स्नैपड्रैगन 860 है उसके ऊपर ये वीडियो बनाने वाले हैं। तो इसमें हम उसका जो गेमिंग प्रोसेसर चेक करेंगे, जैसे कि हम उसके ग्राफिक्स को चेक करेंगे, उसकी स्मूथनेस को चेक करेंगे, या फिर जो फ्रेम रेट जो भी हम इसके अंदर जो BGMI के अंदर हमें मिलता है, या फिर आप पबजी उसको बोल सकते हैं। तो इस फोन पर हम गेम खेलेंगे और हम आपका रिव्यू देंगे अपना कि इस फोन में कितनी ज़्यादा स्मूथ वो गेम चल रही है जो इसका प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 860। तो कैसे इसका परफॉर्मेंस है, तो आप भी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गेम तो हमने स्टार्ट कर दिया है, तो हम इससे रिलेटेड कुछ और वीडियो भी जल्दी लाने वाले हैं, जैसे इस फोन की हम अनबॉक्सिंग वीडियो जल्दी ही लेके आने वाले हैं। साथ में हम एक कंपैरिजन वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हम इस फोन को किसी और फोन से कंपेयर करेंगे इसी रेंज में, कोई और फोन जिसका बजट इसी फोन के साथ में जैसे प्राइस दोनों का सेम हो तो इस फोन के साथ हम ज़्यादा इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। साथ हमें अब बात करते हैं इससे ग्राफिक्स की, तो जाते हैं पहले सेटिंग्स में, फिर सेटिंग्स जाते हैं ग्राफिक्स पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो हम बात करते हैं पहले बैलेंस्ड HD, HDR, अल्ट्रा HD। अल्ट्रा HD में भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, जहाँ पे इतना स्मूथ एक साथ में है अल्ट्रा HD, और साथ में आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको UHD भी दिख रहा है, लेकिन ये अभी तक सून हो रहा है। जैसे पर क्लिक करके देखते हैं तो देख सकते हैं जैसे कि ये अभी तक सून है, तो ये अभी रिलीज़ नहीं हुआ है। तो बात करते हैं इसकी फ्रेम रेट वगैरह की, अब तो हो जाते हैं फ्रेम रेट के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे पांच ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें एक है लो, एक है मीडियम, हाई और एक्सट्रीम। जैसे आप एक्सट्रीम पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे देख सकते हैं आप ऊपर नोटिफिकेशन आई आपको आएगी। यहाँ पे आपके जो एक्सट्रीम पे जाएंगे तो आपकी बैटरी जो जल्दी ड्रेन हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि इसका जो बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन अलग मिलेंगे ग्राफिक्स के, जैसे क्लासिक, कलरफुल, रियलिस्टिक, सॉफ्ट एंड मूवी। तो मतलब कुल मिलाते ही फोन इस गेम के लिए काफ़ी अच्छा है और काफ़ी स्मूथ इसमें गेम चलने वाली है हमारे हिसाब से। तो अब आपको ट्रायल हम करके बताते हैं, जिसमें हम एक मैच चल जाएंगे तो TDM का। तो फिर से मैच तो शुरू, ये मैच स्टार्ट हो गया है। तो गेम स्टार्ट हो गई है, तो मैं आपको बता दूँ इस फोन में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ ही गेम चल रही है, जैसे आप देख सकते हैं। तो मैं आपको एक बार ट्रायल दिखा देता हूँ कि कितनी ज़्यादा स्मूथ इस फोन में गेम चल रही है इस टाइम, जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी जल्दी जल्दी सभी काम कर रहे हैं, जैसे काफ़ी अच्छा ये काम कर रहा है इसमें। तो एक दो एक मैच हम खेलते आपको बता देते हैं, पहले थोड़ा सा मैच खेलेंगे हम आधा सा, तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि इस फोन में कितनी ज़्यादा सॉफ्ट गेम चल रही है। तो जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट इस फोन में गेम चल रही है। तो गेम तो हमने इस फोन में खेल लिया है, तो काफ़ी स्मूथ इसमें गेम चल रही है, जैसे आपको मैंने लाइव प्रूफ करके बताया है। तो आप भी मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस फोन के बारे में क्या रिव्यू है, या फिर आपको इस फोन के बारे में डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।